बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में थाईलैंड और मलेशिया के बारे में बताऊंगा कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। तो आइए चलते हैं वीडियो में जाने। हमारे ट्रैवल एजेंसी से मलेशिया और थाईलैंड का वीज़ा प्रोसेस हो रहा है और टिकटों के लिए भी हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें आपको कम से कम रेट में हम आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला। और दूसरी चीज़ इसमें ये है कि वीज़ा की रिक्वायरमेंट मलेशिया के लिए और थाईलैंड के लिए क्या क्या होती है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 30 दिन वाला सिंगल एंट्री वीज़ा भी लगा है। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट की वैलिडिटी देखनी है, 6 महीने तक आपका पासपोर्ट वैलिड हो, और आपकी 2 फोटोग्राफ चाहिए जो हम रिकमेंड करते हैं हमारी ट्रैवल एजेंसी से, दोसानी जो फोटोग्राफी जो स्टूडियो है, आप वहाँ से पिक्चर वगैरह क्लिक करवा के, क्योंकि वो आपके हो आप आगे के लिए भी काम आती है, और उसकी PDF भी आप अपने ईमेल पर मंगा के रखें ताकि आप फर्दर कहीं पे भी अप्लाई करते हैं तो वो आपके वहाँ पे भी यूज़ में आ जाए। सेकंड चीज़ इसमें ये होती है, आपका बैंक स्टेटमेंट होता है और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लगता है आपका। अच्छा, आपको थाईलैंड और मलेशिया के लिए मिनिमम आपको ये करना होता है कि आपके अकाउंट में 6 से 5, 5.5 लाख के दरमियान अमाउंट होना चाहिए जो क्लोजिंग बैलेंस शो होता है। अब उसके आगे क्या होता है, फिर आपका वीज़ा हम अप्लाई करते हैं और विद इन अ 4 डेज हमारे पास फास्ट ट्रैक पे काम हो रहा होता है। तो इंशाल्लाह, जैसे आपने सपोज़ करें मंडे को दे दिया तो आप मेरे से थर्सडे वाले दिन या फ्राइडे वाले दिन आप मेरे से पासपोर्ट अपना कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। और थाईलैंड में ये होता है, थाईलैंड की भी सेम चीज़ें हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ ऐड हो जाती है कि आपका बिज़नेस कार्ड आ जाता है, और सेकंड चीज़ आपका ब्लैंक चेक आता है, क्योंकि आपकी पहली एंट्री होती है तो उस पर ब्लैंक चेक जाता है आपका विद साइन किया हुआ, आपका ब्लैंक चेक जाएगा। ये सारी रिक्वायरमेंट है इसकी थाईलैंड की। वो भी 30 डेज़ का वीज़ा होगा सिंगल एंट्री, और ये भी 30 डेज़ का। अगर कोई मल्टीपल चाहता है तो इंशाल्लाह ताला उसका भी आपको मैं प्रोसेस अगली वीडियो में बताऊँगा। और नई नई वीडियोज़ आती रहेंगी टर्की के लिए, चाइना के लिए भी आती हैं। चाइना का भी अगर किसी को करवाना हो तो फिर इंशाल्लाह आपको सर्विस आप देखेंगे और प्राइस भी माशाल्लाह अच्छे होंगे और सर्विसेज भी आप देखेंगे। तो इंशाल्लाह ताला रॉयल एक्सप्रेस की तरफ से आपको पूरा प्रोटोकॉल मिलेगा वीज़ा को लेके, और आपको गाइड भी किया जाएगा। हालांकि ये चीज़ें जो वीडियो में आप सुन रहे हैं इन चीज़ों के पैसे होते हैं, तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको रॉयल एक्सप्रेस की तरफ से और चैनल के तवस्सुत से ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताई जा रही हैं चीज़ें, उनको फ़ायदा पहुँचता रहे। तो वीज़ा मलेशिया का, थाईलैंड का मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा एयर टिकटिंग कोई भी एयरलाइन हो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद वीडियो के लिए आप अगर चैनल के साथ कनेक्ट रहेंगे तो आपके पास अपडेट आती रहेगी। ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ से वीज़ा लग रहे हैं, टिकटिंग हो जाएगी आपकी इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो की। तो आपको यहाँ से एयर टिकटिंग की भी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जो भी प्रोमो हमारे पास आते रहते हैं। मतलब बीच में ऐसा आया था कि एयर अरेबिया की सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये में रिटर्न टिकट कराची टू शारजा, शारजा टू कराची, तो इसी तरह के प्रोमो आते रहते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आप फ़ायदा उठाने के लिए इससे आप टच में रहें, और ये नंबर आपके पास स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो इंशाल्लाह अगर आपको फर्दर भी गाइडेंस मिलती रहेगी। और कभी कभी प्रोमो नहीं भी आता और हम आपके ये फैसिलिटेट कर देंगे कि हमारे पास जो है ना पोर्टल पे काफ़ी डिस्काउंट आता रहता है, तो इंशाल्लाह अगर आपको बाहर से टिकट जो आप करवाओगे और हमारे से जो करवाओगे उसमें फ़र्क नहीं आएगा। अगली वीडियो में जब तक के लिए आप अपनी जो कमेंट्स में बता सकते हैं, अगली आपको कंट्री कौन सी जाननी है, किसके बारे में आपको मालूम चाहिए, जिसके ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो इंशाल्लाह हम उस पर वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।